बात ये है कि हमारा मुद्दा जीतने के बाद क्या हुआ, हम जाति के आधार पर हत्या ना करवाई, हम पिछड़ी और दलित जाति के जो है जाति सूचक गाड़ी न दे, बस्ती न जलवाई, मुसलमान और हिंदू के नाम पर मंदिर मस्जिद के खिलाफ आक्रोश न पैदा कर। बनारस वाले मिश्रा जी अर्थात हरीश मिश्रा जी चुनाव मैदान में हैं। ओवैसी की पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। जरा समझते हैं कि इन्होंने अपने किन बातों को मुद्दा बनाया है। अगर चुनाव जीत करके आते हैं तो क्या इनकी प्राथमिकता रहेगी। हालांकि हमारे इंटरव्यू में इन्होंने कांग्रेस की बात कही थी, लेकिन अब इन्हें टिकट मिला है ओवैसी की पार्टी से। आइए हम आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या बातें कही थी, जब ये चुनाव जीत करके आएंगे तो किन बातों पर ध्यान रखेंगे और किन चीज़ों पर काम करेंगे। इसको समझने के लिए इनका देखिए पूरा ये इंटरव्यू जिसमें इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। पहली बात ये है कि हमारा मुद्दा जीतने के बाद क्या हुआ, हम जाति के आधार पर हत्या ना करवाई, हम पिछड़ी और दलित जाति के जो है ना जाति सूचक गाड़ी न दे, बस्ती न जलवाई, मुसलमान और हिंदू के नाम पर मंदिर मस्जिद के खिलाफ आक्रोश न पैदा करब, आस्था का बाजारीकरण न करब, आस्था का नीलामीकरण न करब, तो हम ये सब जौन हो ये सब सवाल पर लड़त ला हम लोगन की इज्जत दे भैया, हम मारब पीटब नहीं। अरे बिजली लाइट बत्ती सड़क हो ऊ चली अपन दियाई हो देत रहल जाई, तो वो अलग का बात है। और वह देखा यही पर्चा है भैया, दिखा दिली हम, वोट देने से पहले ये याद जरूर रखिएगा कि वो दर्द हम कैसे भूलेंगे। एमन 17 हो अगर टाइम देवा तो हम बोल दे, कुछ पढ़िए जो हाईलाइट्स हो जो आपको लगता है। अच्छा हम बोला तिला मांगा गैस सिलेंडर का दर्द हम कैसे भूलेंगे, 400 का 1000 दे लें सब राष्ट्रवाद के नाम पर भैया, करे जबे छीन लें सब, महंगा घरेलू सभी खाने के सामानों का दाम कैसे भूलेंगे, सरसों का तेल कड़ुआ तेल 240 रुपया, अरे बाप रे बाप, माई दादी दादा सब याद आ गल, कोरोना काल में स्कूलों का जबरिया फीस वसूली कैसे भूलेंगे, पढ़ाई एको बच्चा नहीं, दिन भर लखेरा के तरह कुल टहर ले ना, फीस हमने के जमा करे के पड़ल, गहना बेचे के पड़ल, आपो के लड़का लड़की हुई तो आपो दर्द समझत होगा भला, हालांकि आप मत बोलिया नहीं जेल हो जाएगी। हाँ कोरोना काल में बैंक लोन का EMI वसूली कैसे भूलेंगे, EMI कहले रहलन ना कुल कि माफ करब, ना ही कहले रहलन भैया, कुल झूठ झपाट कहले एने खाली चोट्टागिरी कहले जौन, कुल बहन बेटियों का अत्याचार, सीवर सड़क बिजली पानी का वो बड़े ऑक्सीजन वेंटिलेटर कुल तो हो 18 पढ़ ले बात, वहीं के गुस्सा आ जाए। तो ये मिश्रा जी हैं बनारस वाले, मैंने कहा आप फ़ोन करते हैं ट्रू कॉलर पर दिखाता है, तो वही समझ में आता है कि हमने जिनको फ़ोन मिलाया है वही हरीश मिश्रा जी हैं, इनको फ़ोन लगा है। इन्होंने बेबाकी से हमारे इन तमाम सवालों का जवाब दिया है जो हमें लगता था कि अगर हम मिलेंगे इनसे ज़रूर पूछेंगे। और इनका कहना है कि चुनाव मैदान में चुनौती बड़ी है, कड़ी है और लड़ाई तगड़ी होगी, जीतने के बाद सम्मान और इज्जत देने की बात कर रहे हैं, चुनाव बहुत करीब है। मिश्रा जी ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया है जो शायद आप इनको सोशल मीडिया पर देखते होंगे। आज बस इतना ही, लगातार बनारस से हमारी रिपोर्ट जारी है।